दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बजाज की F250 और N250 उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रही है, और उसके पीछे की वजह यह है कि हमेशा से बजाज का जो एक रुतबा रहा है वो है बजट सेगमेंट में रह करके ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करना, जो कि F250 N250 बजट में नहीं है, जिसकी वजह से उसकी सेल उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हीरो भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस वाली बाइक लाता है जहाँ पर माइलेज कम मिलेगा, तो वो भी उतना ज़्यादा सेल नहीं कर पाएगा जैसा कि बजाज के साथ हो रहा है। इसलिए N250 और F250 दोनों की सेल उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए इसका एक अल्टरनेटिव, तो मैं मानता हूँ कि F150 बहुत जल्द आपको नज़दीकी शोरूम पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि 220F बहुत पहले ही डिसकंटिन्यू कर दी गई, जहाँ पर अगर बची है तो आप जा करके खरीद सकते हो, लेकिन वो नया अब स्टॉक में नहीं आने वाला है। तो अगर F150 आती है तो यहाँ पर काफ़ी कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस होने वाले हैं। इंजन वाइज तो सेम रहेगा जो कि आपको अभी तक मिलते आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि लुक वाइज, तो वही प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प मिल जाएंगे, अच्छा खासा एक फेयरिंग मिल जाएगा जो कि आपको F250 में मिल जाता है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है वो भी लगभग लगभग चेंज करके दे ही दिया जाएगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा कॉस्ट आती नहीं है। तो देखा जाए तो केवल जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं F150 में वही होने वाले हैं जो कि F250 के हिसाब से किया जाएगा। अगर इंजन की बात की जाए तो पुराना वाला वही इंजन रहेगा जो कि 13.8 BHP की पावर निकाल देगा, 13.25 Nm का टॉर्क निकाल देगा, 5 स्पीड का गियर बॉक्स दे दिया जाएगा जिसमें एक डाउन होगा, 4 अप होंगे, फ्यूल इंजेक्शन मिल जाएगा, 15 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाएगी, 3.5 लीटर की रिजर्व टैंक मिल जाएगा। माइलेज अगर देखा जाए तो ARI जो क्लेम करती है वो तो 50-52 के आसपास होती है किलोमीटर पर लीटर की, लेकिन कस्टमर यानी कि मैं जो आज तक निकाला हूँ वो 58 से 59 किलोमीटर पर लीटर तक की निकाल चुका हूँ। तो मान सकते हैं कि एक F150 जैसी फेयरिंग वाली बाइक से भी आपको 58, 55, 58 तो आराम से निकाला ही जा सकता है। एरोडायनामिक्स अच्छे हो जाएंगे तो माइलेज लगभग तो 58-59 हो ही जाएगा। साथ में अगर देखा जाए तो डिस्क की बात की जाए, ब्रेकिंग की बात की जाए, तो फ्रंट में आपको 260 mm की डिस्क मिल जाएगी, रियर में भी आपको डिस्क वाला वेरिएंट मिल जाएगा और ड्रम वाला वेरिएंट भी दिया जाएगा। ABS के चांसेस यार अब उतने नहीं है बजाज की तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत पहले ही प्लैटिना में नकार दिया, तो उतना ज़्यादा कोई चांस है नहीं। टायर साइज जो है उसमें यहाँ पर कटौती की जाएंगी, जो कि फ्रंट में रहेगा 80-117 का और रियर में रहेगा 100-90-17 का, जिसकी वजह से आप उतना ज़्यादा इसे पसंद नहीं करने वाले हैं। पसंद जो करने वाले हैं वो है इस बाइक की एक शोरूम प्राइस को, जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक मिल जाएगा जो कि 31 mm के डायमीटर के साथ आता है, जिसके आप पाइप का डायमीटर मैं बता रहा हूँ, क्रोमिंग वाला, और रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाएंगे जो कि गैस फिल्ड रहेंगे। बाइक का जो वेट है वो लगभग लगभग 152 kg तक जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रही हैं, थोड़ा बहुत जो है इस बाइक का वेट बढ़ेगा फेयरिंग की वजह से, और थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस भी ऐसे हैं जहां पर थोड़ा बहुत वेट बढ़ने वाला है, जो कि अभी तक आता था 148 kg की बाइक। ग्राउंड क्लियरेंस यहां पर आपको लगभग लगभग 160 mm की मिलेगी, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, जो कि आपको अब तक 165 mm में मिलता था पल्सर में। अभी तक कोई भी यहाँ पर आपको वारंटी गारंटी के बारे में कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि बजाज की तरफ से आपको 5 ईयर की वारंटी मिल जाएगी, और या फिर आप 75,000 किलोमीटर चला लेते हैं, जो भी पहले आ जाता है वही आपकी वारंटी वहां पर दे दी जाएगी। इस बार आपको DRL देखने को मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे, टेल लाइट LED की रहेगी, इंडिकेटर्स भी आपको LED के देखने को मिल जाएंगे, USB का एक चार्जिंग का पोर्ट दे दिया जाएगा जो कि आपको पता है कि अब तो नेसेसरी हो चुका है, जो कि अब 60-65 हज़ार रुपये की बाइकों में भी, मोपेड में भी आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। इस बाइक में आपको सेल्फ स्टार्ट ही मिलेगा, किक स्टार्ट नहीं दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, कॉस्ट को कट करना है तो किक स्टार्ट तो नहीं मिलेगा आपको। ओवरऑल अगर इस बाइक के एक शोरूम प्राइस की बात की जाए तो आज की डेट में लगभग 1,08,000 से 9,000 रुपए का एक शोरूम 150 बिकती है, जो कि रेगुलर 150 है पल्सर की। वहीं अगर इसमें फेयरिंग लग जाती है तो करीब 7 से 8 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे, जो कि उतना ज़्यादा मैं मानता हूँ कि नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर इस बाइक के एक शोरूम प्राइस की बात की जाए तो वो लगभग लगभग 1,18,000 से 1,20,000 रुपए तक जा सकती है, मैक्स टू मैक्स। तो यहाँ पर मैं एक शोरूम प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना, भाई वीडियो अच्छी लग गई है लाइक ज़रूर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक यार ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।